है एवरी वन गुड मॉर्निंग तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में तो जी अभी हो रहे हैं सुबह के आठ और अभी से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ तो एक्चुअली अभी ऐसी न्यूज मिली है गुड न्यूज ही है बट उससे मेरे काम करने की स्पीड बढ़ गई है क्योंकि हुआ ये कि अभी मैं आराम से क्योंकि देखिए बच्चे भी घर में थे ये भी घर में थे क्योंकि संडे था ना इन्हें बच्चों को जाना था स्कूल ना इन्हें जाना था अपने काम में तो मैं एकदम रिलैक्स होकर अपना काम कर रही हूँ आराम से उठी काम वूम भी मैंने एकदम आराम से कर रही क्योंकि तो किन्हीं को कहीं तो जाना नहीं है तो वैसा हड़बड़ी नहीं है और नाश्ता में मैं आज बना रही थी इडली तो इडली जिस दिन बनता है तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा निश्चिंत रहती हूँ क्योंकि इडली साम्भर बनाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं है फटाफट बन जाते हैं तो मैं आराम से रिलैक्स से अपना काम कर रही थी बट अचानक कॉल आया कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर पे उसके बाद तो लगा कि अब क्या करें मीन्स लग रहा था कि कहाँ से मैं क्या करूँ क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ था मैंने कुछ भी काम शुरू नहीं किया था क्योंकि माइंड में वो था ही नहीं ना कि कोई आएंगे या आने वाले हैं वैसा कुछ मैं रिलैक्स थी कि चलो घर में सब हैं तो आराम से सब कुछ होगा बट वो बोलते हैं ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है तो इसीलिए एकदम प्रिपेयर रहो पहले से तो वही चीज़ आज हुआ तो मुझे समझ में नहीं आ रही मैं कहाँ से क्या शुरू करूँ कहाँ क्या ख़त्म करूँ हर चीज़ भूल जा रही थी तो इडली मेरा उधर बन रहा था लगभग ऑलमोस्ट बन ही चुका था थोड़ा बहुत बाकी था सांभर बनाना बस बाकी था चटनी मैंने सोचा था बट अभी अब चटनी नहीं बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा उनके आने से पहले मुझे घर और पूरा साफ़ करके रखना है खाना उना बना के रेडी करके रखना है क्योंकि वो लोग निकल चुके हैं वहाँ से नहीं निकले नहीं है वो लोग दस ग्यारह बजे आई थिंक वहाँ से निकलेंगे और यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम होने लगेगा नहीं तो इसीलिए उनके आने से पहले मुझे एकदम अपने आप को भी अपने घर को भी खाना भी सारा चीज़ रेडी करके रखना है तो वही मैं फटाफट कर रही थी तो यहाँ ये देखिए सांभर में मेरा बन के रेडी है तो फटाफट अब तुरंत से बच्चों को और इनको नाश्ता लगा दे रही हूँ क्योंकि ये लोग नाश्ता कर लेंगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगी क्योंकि जब सब नाश्ता कर लेंगे तो किचन भी मेरा साफ़ हो जाएगा और बर्तन जो भी पड़े रहेंगे मॉर्निंग के वो भी फटाफट साफ़ कर लूँगी तो नाश्ता वास्ता देने के बाद मैं आ गई थी घर साफ़ करने के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किन्हीं के आने से देखिए इसीलिए मैं पर डे डस्टिंग करती हूँ क्योंकि एक बार में मेरे माथे में लोड नहीं पड़ता है मैं पर डे डस्टिंग करती हूँ इसलिए आज मुझे उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी क्योंकि साफ तो ऐसे ही रहता है आप अगर डेली किसी चीज़ को पोच रहे हो तो उसमें उतनी मेहनत करनी नहीं होती है तो वही चीज़ था इसीलिए कुछ भी हो जाए डस्टिंग मैं पर डे करती हूँ तो वही था तो थोड़ा थोड़ा मैंने बस सब में हाथ घुमा दिया क्योंकि सब साफ ही थे हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत अगर डस्ट होगा तो वो मैंने फटाफट कोलिन से पोछ लिया तो वो साफ़ हो गया था तो डस्टिंग के मामले में थोड़ा सा आज मैं निश्चिंत थी क्योंकि कोई जब घर आते हैं ना तो उस समय आपका घर भले कितना साफ हो बट आपको लगता है कि नहीं घर को मैं और कितना ज़्यादा चमका दूँ कि एकदम मेरा घर शीशे की तरह एकदम चमकता हुआ नजर आए तो वही सेम चीज़ थी तो मुझे भी लग रहा था कि नहीं मेरा घर भले कितों भी साफ सुथरा लेकिन मैं एकदम कोई कसर आज छोड़ना नहीं चाहती हूँ कि कोई आए घर में तो एटलीस्ट घर देख के तो उन्हें थोड़ा सा सुकून हो कि नहीं अच्छा है तो वही चीज़ था तो मैं पूरी लगी हुई थी मतलब लग रहा था कि भगवान और दो तीन हाथ मुझे देते हैं तो मैं सब तरफ से करती क्योंकि आज जो हालत मेरी हो रखी थी ना क्योंकि देखिए आप ही को सारा चीज़ करना है सारा चीज़ मैनेज आप ही को करना है नाश्ता हो खाना हो घर की साफ सफाई हो खुद को भी एकदम अच्छे से टेबल आपको रखना है अगर कोई आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें यह ना लगे कि अरे चलो ठीक है घर उ तो सब ठीक है बट ये, इसकी हालत देखो तो वो भी आपको करके ठीक से रखना है तो मैं वही नहीं चाह रही थी कि, कि किसी चीज़ में कमी हो क्योंकि ये जो गेस्ट आ रही है फर्स्ट टाइम मेरे घर आ रहे हैं और बहुत खास गेस्ट हैं तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से घर को भी और अपने आप को भी प्रिपेयर करके रखना चाहती थी सब सब चीज़ों में तो वही मैंने फटाफट सब तरफ पूछ लिया किचन काउंटर टॉप भी किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया कैबिनेट में थोड़े बहुत हल्के गंदे नज़र आ रहे थे तो उसे भी मैंने कॉलिन देकर फटाफट साफ़ कर लिए तो अब बारी थी घर को पोछा करने की बट घर पोछा करना भी आज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि घर में सभी थे और घर सभी को कुछ ना कुछ एकदम ऐन मौके पर चाहिए होता है कि मैं घर पोछ रही हूँ उसी समय इधर से कोई आवाज़ दे रही उधर से कोई आवाज़ दे रही मुझे ये चाहिए तो मैं परेशान हो गई थी मतलब पोछा करना मेरे लिए दुशवार हो गया था कैसे खत्म करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा था और अंदर से हार्ट बीट बढ़ी हुई थी कि कहीं वो लोग पहुँच ना जाए नहीं तो मेरा तो हो गया ना घर साफ सुथरा हुआ है ना मैं अपने खुद को साफ सुथरा करके रखी हुई हूँ ना खाना बना है ना नाश्ता का प्रिपरेशन कुछ भी नहीं तो मुझे आज फील हो रहा था कि सही में घर संभालना इतना मुश्किल है क्योंकि देखिए पर डे दे जो आपका काम हो रहा है चलो कोई नहीं क्योंकि आप कर रहे हो वही रूटीन से बट जब घर में अचानक से कोई इमरजेंसी या कोई गेस्ट आ जाते हैं ना अचानक से जो आपको न्यूज मिलती है कि हाँ ऐसा ऐसा है आप सब चीज़ करके रेडी रखो तो फिर बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है हाँ घर में कोई अगर हेल्प करने वाला है तब कोई बात नहीं हो जाएगा बट जब आपको सारा चीज़ अकेले करना है तो बहुत मुश्किल होता है घर को संभालना और उसके साथ साथ सब तरफ मैनेज करके रखना तो आज मुझे वो चीज़ फील हो रहा था और सही में लग रहा था कि क्या करूँ कैसे करूँ किधर से ख़त्म करूँ सब चीज़ की एटलीस्ट सब चीज़ टाइम पर हो जाए और उस चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ों को भूलते जा रही थी मीन्स कभी यहाँ कुछ रखा है तो वो मैं भूल जा रही थी कि वहाँ क्या मैंने रखा है तो होता है जब आपका आपके माथा में बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है ना कामों का और टेंशन भी रहती है किसी चीज़ को लेके प्रेशर रहता है तो आप भूलने लगते हो तो वही मेरे साथ हो रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ को भी भूल जा भूल भी जा रही थी कि अरे मुझे अभी क्या करना है वाला तो ऐसे ही करते करते मैंने घर को पूरी तरीके से पोछ लिया था ऑलमोस्ट मेरा घर पोछना कंप्लीट हो गया था बस अभी नीचे आंगन झाड़ू करना था तो वो भी अभी अभी मैं फटाफट कर लूँगी क्योंकि कोई आते हैं और आंगन गंदा रहे तो अच्छा नहीं लगता है ना तो फिर वो मैंने सूट नहीं किया सॉरी क्योंकि इतनी ज़्यादा हड़बड़ थी ना पता नहीं मैं किधर किधर ट्राईपोर्ट लेकर घूमती तो इसलिए मैंने फटाफट आंगन भी झाड़ू किया उसके बाद में नहा हुआ कि किचन आ गई थी क्योंकि खाना बनाना था खाना बना के मैं रख दे रही हूँ क्योंकि कोई देखिए अगर आते हैं तो उनसे पूछ के आप थोड़ा बनाओगी तो अपनी तरफ से सब रेडी रखो खाएँ नहीं खाए वो उनकी मर्जी है बट अपने तरफ तो सब बना के रेडी रखो। तो खाने में मैं वैसा कुछ स्पेशल नहीं बना रही थी नॉर्मल सीधा सिंपल सा ही खाना बना रही थी तो दाल भात था उसके साथ मैं यहाँ टमाटर चटनी कर रही हूँ और मशरूम अभी कट करना है मशरूम भी बना दूंगी और सलाद और पापड़ तो रहते ही हैं तो मैं यहाँ चटनी रेडी कर रही हूँ तो टमाटर वमाटा कट करके कर मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तो ये वाली चटनी है मीठी अच्छी लगती है ये खाने में क्योंकि किन्हीं को नमकीन मतलब खट्टी चटनी पसंद है तो किन्हीं को मीठी चटनी पसंद है तो इसलिए मैं यह खट्टी मीठी बना दे रही हूँ जो सभी को पसंद आती है तो चटनी मेरी उधर हो रही थी तब तक मैंने इधर मशरूम कट करने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि उनके आने से पहले फटाफट सारे खाने रेडी करने क्योंकि होता भी है ना कि आने के बाद आप बात करने बैठोगे कि आप इधर किचन में आके खाने में लगे रहोग वो अच्छा नहीं लगता है कभी आपके घर आए और आप किचन में लगे हुए हो तो इसलिए सब चीज़ रेडी रख दो और वो आएंगे तो फिर आराम से चाय नाश्ता जो भी दोगे आराम से बैठ के बात करो तो इसलिए मैं यहाँ फटाफट लगी हुई थी और पता नहीं देखिए उनके आने से पहले कि बन जाए तब तो बहुत अच्छा नहीं तो फिर मुझे वही करना पड़ेगा बात करते करते बीच बीच में किचन दौड़ना पड़ेगा और वो सी वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगता है कि बात करो फिर दौड़ के किचन आओ बट होता है कभी कभी अकेले जब कोई रहते हैं तो नहीं हो पाता है सब चीज़ पॉसिबल टाइम पर तो होता है तो वही चीज़ चलिए देखते हैं कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि एटलीस्ट सब चीज़ टाइम पर हो जाए बट देखते हैं क्या होता है तो मशरूम को मैंने मसाला देके छोड़ दिया था फ्राई होने के लिए और इधर मैंने प्लेट निकाल लिया था नाश्ता के लिए तो ये धोया हुआ है तो बस इसे साफ कपड़े से पोछ ले रही हूँ क्योंकि अगर पानी पानी रहता है तो अच्छा नहीं लगता है और वो लोग आ गए हैं चलिए चलते हैं रेडियो कैमरा

तो मेरा काम खत्म भी नहीं हुआ था मीन्स खाना थोड़ा बहुत बाकी था और सब आ गए थे बट बहुत अच्छा लग रहा था मैं दौड़ भाग के अपना काम कर रही थी बात भी कर रही थी अपना काम भी कर रही थी और साथ में दीदी भी थी तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जा रहा था तो बट बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखिए मैं अकेले रहती हूँ हमेशा घर में ना तो आ, अच्छा नहीं लगता है एक टाइम ऐसा होता है कि फील होता है कि यार अकेले हूँ क्योंकि हस्बैंड बच्चे ये लोग तो अपने 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 काम में हैं बच्चों ये बच्चे स्कूल हैं ट्यूशन है उनका ये भी अपने काम में तो शाम में शाम के बाद जो हम सब एक साथ रहते हैं थोड़ा बहुत बात हंसी मजाक जो भी हुआ है ऐसे तो मैं अधिकांश मतलब मोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम अकेले ही रहती हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ और कोई रहता वाला और मेरे मायके का भी क्या हाल था ना कि हम चार भाई बहन मम्मी पापा तो भरा पूरा फैमिली था तो वो सब चीज़ ये ससुराल आने के बाद बिल्कुल छूट सा गया था एकदम मैं बिल्कुल अकेले तो इसीलिए थोड़ा सा फील होता है कि घर में कोई ना कोई आते रहे तो आज ये लोग आए तो बहुत मज़ा लगा मेरा वो जो अकेलापन कभी कभी रहता वो दूर हो गया काफ़ी हमने हंसी मजाक किया काफ़ी मस्ती की नाश्ता पानी सब होने के बाद फिर ये लोग निकल गए थे क्योंकि ये लोग का टाइम हो गया था और एक्चुअली ये आए थे इन्विटेशन कार्ड देने क्योंकि इन शादी है इनके घर में तो उसी का न्योता देने हमारे लिए हमारे यहाँ आए थे स्पेशली तो बहुत अच्छा लगा लेकिन आज टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि कब ये लोग आए और कब ये लोग के जाने का टाइम हो जा रहा है इतना ज्यादा हमने मस्ती किया बट अभी पूरी शादी बाकी है तो प्लीज ब्लॉग में बने रहिएगा वीडियो को प्रॉपर देखिएगा और जो नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बस ये लोग निकलने वाले थे और आज देखिए मॉर्निंग में बहुत ज्यादा काम हो गया था हालत खराब हो रखी थी बट अभी ना वापस से एनर्जी आ गई सबसे मिलने से काफी अच्छा लगता है तो चलिए ये लोग तो निकल गए इसके बाद हम दोनों बहनों को भी बाहर निकलना है क्योंकि दीदी मेरे साथ रुक रही है उसे थोड़ा बहुत काम है यहाँ और कहाँ निकल रहे का क्या काम है ये तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा तो ब्लॉग में प्रॉपर बने रहिएगा तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं एंड और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा फ्रेंड तो फटाफट लाइक कर दीजिए और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा